वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल एसईओ कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि कैसे हम अपनी लैपटॉप पे या पीसी पे वेडप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये मेरी वीडियो नहीं देखी कंप्लीट, तो आप जाके देख लें ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। इस पे मैंने कम्प्लीटली बताया था कि कैसे आप फ्री में अपने पीसी पे वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, काइंडली आप वो देख लें अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे अपनी वेबसाइट में जो हमने बनाई थी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उसमें कैसे हम प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपने वेबसाइट बनाई थी, जो हमने बनाई थी, उसके लिए सबसे पहले हमें अपना जैम सर्वर को ऑन करना है। अगर आपका जैम सर्वर इधर नहीं होगा तो आपका जैम सर्वर इधर आपके पास आ जाएगा इस तरह। तो आपने दो चीज़ों को स्टार्ट करना है, एक आपकी जो होती है अपाची और MySQL, मैंने ऑलरेडी ऑन किए हुए, तो इधर आपका ग्रीन ग्रीन आना चाहिए। अभी हमने, अगर आपको याद हो तो, कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम लोकल होस्ट लिखेंगे, उसके बाद इधर वेबसाइट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये हमने वेबसाइट बनाई थी, तो अभी हम अब इसमें थीम इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन दे दूँ थोड़ा सा। ये वर्डप्रेस एक डैशबोर्ड होता है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट किस्म की ऑपरेशन कर सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं। पेजेस क्या होते हैं? कमेंट्स, हम जब कोई ब्लॉग पे कमेंट करता है, अपीयरेंस में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, थीम्स होती हैं, विजिट्स होते हैं, ये हम अपने वर्डप्रेस कोर्स में बताएंगे। लेकिन इसमें हम जो हमारा फोकस होगा वो हम पोस्ट की तरफ होगा और हमारा एसईओ की तरफ होगा। अच्छा, तो अभी अपीयरेंस पे आपने जाना है और आपने थीम पे क्लिक करना है। ये हम किस लिए कर रहे हैं? थीम इंस्टॉल करने के लिए। तो हम जाएंगे एड न्यू पे, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी एक थीम का नाम मेरे माइंड में है तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। उसका नाम है जू ब्लॉग। ये ब्लॉग के लिए अच्छी थीम है। तो आपने इसको, इस तरह आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास इस जो थीम होती है वर्डप्रेस वेबसाइट में, वो बताती है कि उसका लेआउट कैसे। लेट्स सपोज मेक ए वेबसाइट, उसका मैं आपको बताता हूँ कि थीम क्या चीज़ होती है। अब हमारी वेबसाइट में जो है वो सिंपल थीम इंस्टॉल है। लेट्स सपोज ये वेबसाइट है, ये एक ब्लॉग है, एनिमी ब्लॉग है। अब इसमें न्यूज़पेपर थीम इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन वगैरह सब कुछ किस तरह, लेआउट। तो अभी हमारे थीम इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम थीम को एक्टिवेट करते हैं। तो ये एक ब्लॉग थीम है। इस तरह का हम इंशाल्लाह आगे जाकर हम आपको बताऊंगा कि इस तरह का जो पेज डिज़ाइन होता है, इसकी वेबसाइट एसईओ कैसे की जाती है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो रैंक, अगर हम सर्च करें बेस्ट एनिमी वेयर मेनी गर्ल्स लव वन बॉय, तो ये वेबसाइट मैंने वो डिज़ाइन की थी। जो इसका आर्टिकल है, देखें आप, ये वाला, ये टॉप एनिमी ट्रेंड्स में ये वाला आर्टिकल है बेस्ट एनिमी, तो ये मेरी वेबसाइट है, इसका मैंने एसईओ किया था। तो मैं आपको भी ये चीज़ें प्रोजेक्ट्स हम करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी हम थीम इंस्टॉल हो चुकी है, ये देखें आप। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है? तो हम यहाँ से अपनी वेबसाइट में जाएंगे। तो यूँ हमारी वेबसाइट में थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अभी इसमें कोई पोस्ट वगैरह नहीं है, बस ये डमी सी वेबसाइट है। ये ऊपर एसईओ वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के टाइटल है। तो आपका सब ये टास्क है कि आपने लोगों ने सबसे पहले अपीयरेंस में थीम में जाकर आपने ये वाली, ये नाम याद रख लें, आपने ये वाली थीम इंस्टॉल करनी है। बस जो जो मैं करता हूँ वो आपने स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। अभी हमारे इसमें थीम तो होगी, अब हम क्या करेंगे कि एक जो मेन चीज़ होती है वो होती है यूज्ड एसईओ प्लगइन, जो हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट की एसईओ के लिए। इस वेबसाइट पे मैंने एसईओ योस्ट एसईओ यूज़ किया हुआ है, ये वाला प्लगइन। तो इस वेबसाइट में भी इंस्टॉल करेंगे, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा योस्ट। आप लोगों के पास भी ये होस्ट इस तरह आना चाहिए, इस इसकी 5 मिली डाउनलोड्स हैं और ये सबसे बेहतरीन प्लगइन है। इसके अलावा वो रैंक भी है, लेकिन मैं यही यूज़ करता हूँ, मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ, ईजी है। और आप लोग इसके ज़रिए से, ये टूल है कि जिसके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करेंगे। काफ़ी लोगों ने इससे पहले, आप लोगों ने कोर्सेज किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ये इस तरह की वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई होगी या आप लोगों ने योस्ट एसईओ सीखोगा। तो ये मेन टूल है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करते हैं। और अब ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम इस योस्ट एसईओ पे अपना काम स्टार्ट करेंगे।
इसके अलावा मैं आपको इस वेबसाइट का लेआउट बताता चलूँ। ये वेबसाइट है, इसको डिज़ाइन मैंने किया था, इसकी एसईओ भी मैंने की थी। इस तरह आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन करना होता है, फिर आपने कुछ कीवर्ड टारगेट करने होते हैं। जिस तरह ये आर्टिकल है, यह गूगल में रैंक है, तो इसमें मैं आपको लोगों को चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, तो बेस्ट एनिमी वेयर मैनी गर्ल्स लव वन बॉय, तो ये आर्टिकल का टाइटल है और ये इधर इसने मेंशन किया हुआ था। गूगल क्या करते हैं, इसको ज़्यादा स्कोरिंग करते हैं, क्योंकि इसने जो मेन कीवर्ड है जो यूज़र सर्च करता है उसको इसने अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया हुआ, बेस्ट एनिमी वेयर मैनी गर्ल्स लव वन बॉय। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आर्टिकल है वो रैंक हो जाता है। और इसके अलावा इसमें डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, इसमें पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं, ये ऑर्गेनाइज है, तो गूगल इसको रैंक करते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म के आर्टिकल हैं जो इस वेबसाइट के रैंक हैं। अच्छा, तो ये हमारे इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसको एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ। जो ये आर्टिकल होता है, तो इसके साइड वाली ये चीज़ें होती हैं, इनको बोलते हैं साइड बार, ठीक है। ये विजिट्स भी होते हैं, साइड बार होते हैं, इसको बोलते हैं राइट साइड बार। और ये नीचे फॉन्ट्स होता है और ये वेबसाइट का हेडर होता है, ठीक है। ये लॉगो है, ये इसका मेन्यू है। तो हम अपनी वेबसाइट भी इसी तरह सेम डिज़ाइन करेंगे या डिफरेंट डिज़ाइन करेंगे, ताकि आपको वर्डप्रेस ब्लॉग भी आ जाए और एसईओ भी आ जाए और वर्डप्रेस इससे भी थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाए। अच्छा, अभी हमने योस्ट एसईओ ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। अब सब लोगों के पास भी ये योस्ट एसईओ जो प्लगइन हम यूज़ करेंगे वो आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें प्रैक्टिकली काम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम जाकर एक न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने भी ट्राई आउट करना है, यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन होता है, आपने ऐड न्यू पे जाना है, वहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पर होगी। आज के लिए जो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो ये थी कि आपकी वेबसाइट में जो थीम है ये आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, और जो दूसरा आपका टास्क है वो है कि आपने कैसे प्लगइन इंस्टॉल करने। तो आपने प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और आपने योस्ट एसईओ सर्च करना है, ठीक है। तो ये दोनों टास्क आपके हैं आज के लिए, और आज की वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ। आपको आप लोगों को ये टास्क और असाइनमेंट है, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों ने किया या नहीं किया। अगर कोई इशू आ जाता है तो काइंडली आप मुझे बता दें कमेंट्स में, ताकि फिर मैं आपके इशू सॉल्व कर सकूँ। तो इसके अलावा जो पिछली भी, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैं कोर्स कम्प्लीटली बिगेनर लेवल से लेकर आगे इंटरमीडिएट और फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। अभी हमारा ये प्रैक्टिकल पार्ट ही चल रहा है, हमने प्लगइन इंस्टॉल किया, थीम इंस्टॉल की। और इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन होती है, कोई कमेंट्स वगैरह आप किए करें, कोई आपके पास कंप्लेंट होती है, कोई भी चीज़ होती है, आप वो ज़रूर बताया करें। कोई आपको इश्यू होता है वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप पहली बार दबाएँ, और इस वीडियो को लाइक भी कर लें। और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।